नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका नव भारत निर्माण न्यू इंडिया की इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से विश्व भूगोल का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आपका है, जिसका नाम है समसामयिक भू राजनीतिक समस्याएं, करंट जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से करने का यहां पर प्रयास करेंगे दोस्तों, ताकि हर एंगल से आपको चीजों को आपके सामने बहुत बेहतर तरीके से बताया जा सके। इस क्रम में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो हम इसमें लगातार सबसे पहले आपके लिए लेंगे, ताकि एक एक चीज आपके सामने बहुत बेहतर तरीके से प्रस्तुत की जा सके। तो सबसे पहले तो मैं आपको चाहूंगा कि हमारा जो समसामयिक भू राजनीतिक समस्याएं हैं, अपने आप में टॉपिक बहुत बड़ा है, और अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जो हमने क्लासेस तैयार की थी उसके अंदर भी इस पार्ट को काफी हद तक हमने कवर किया है। तो यहां पर सबसे पहले आप देखिए कि जो टॉपिक हम लेंगे सबसे पहले जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के अंदर, वो दुनिया में कहां कहां पर किस किस प्रकार की प्रॉब्लम्स है उसको हम देखने का यहां पर प्रयास करेंगे। आपके टॉपिक का नाम जो है वो बेसिकली समसामयिक भू राजनीतिक समस्याएं, करंट जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के रूप में है। तो सबसे पहले आप अगर देखोगे तो पूरे विश्व में अनेक स्थानों पर अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम थोड़ा वेरीफाई करेंगे। साथ ही साथ इसका नाम जो है भू राजनीतिक है, जियोपॉलिटिकल है, तो जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को किस प्रकार से एनालिसिस किया जाता है, वहां से आपके आरएस मुख्य परीक्षा में किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, उन तमाम चीजों का बहुत बेहतर तरीके से विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास यहां पर किया जाएगा। अब इसी क्रम में सबसे पहले हम देखें कि अभी वर्तमान में कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिसको हम जियोपॉलिटिकल मान सकते हैं और दुनिया भर में छाई हुई है, उसमें से कुछ समस्याओं के मैं आपके सामने रख रहा हूं, फिर एक एक को हम अलग अलग करेंगे। जैसे सबसे पहले नंबर वन, अभी सबसे हॉटेस्ट पॉइंट जो है वो बेसिकली अफगानिस्तान में तालिबान का बढ़ता हुआ नियंत्रण। दूसरा नंबर टू जो है हांगकांग की समस्या, हांगकांग क्या है इसको भी मैं लूंगा। तीसरा इजराइल और फिलिस्तीन की समस्या, उसमें वेस्टर्न कोस्ट क्या है, गोलन की पहाड़ियां क्या है, यरूशलेम को लेकर विवाद क्यों है और उसका पूरे वर्ल्ड पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है उसको भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ श्रीलंका के जाफना क्षेत्र में एलटीटीई से जुड़ी समस्याएं क्या है, किस प्रकार से पुनर्वास किया जा रहा है और उसका भारत पर इंपैक्ट क्या पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात, अभी पूरे वर्ल्ड में जितने महासागर हैं उन महासागरों में अगर कोई महासागर सबसे ज्यादा भू राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान रखता है और जो विवादित है उसका नाम दक्षिण चीन सागर है। लेकिन दोस्तों अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग और 21वीं शताब्दी के अंदर जो नीले जल की नीति अपनाई जा रही है, उस नीले जल की नीति के अंतर्गत वर्तमान में हिंद महासागर वैश्विक शक्तियों का एक बहुत बड़ा अखाड़ा बन रहा है। ये किस प्रकार से हमारे लिए नई समस्या पैदा कर सकता है और भारत को यहां पर कौन सी पॉलिसी अपनानी चाहिए इसको भी हम देखने का प्रयास यहां पर करेंगे। साथ ही साथ म्यांमार जो हमारा पड़ोसी देश है, वहां पर भी सैन्य तानाशाही की स्थापना हुई है। वहां पर आंग सान सू की सरकार को हटा करके वहां की मिलिट्री ने कब्जा कर लिया है और मिलिट्री लगातार वहां पर लोगों के ऊपर किस प्रकार से कार्रवाई कर रही है, और साथ ही साथ जो रोहिंग्या संबंधी समस्या है उसको भी बताने का पूरा प्रयास हम यहां पर करेंगे। एक अभी लेटेस्ट आपने 2020 में सुना होगा, आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य युद्ध हुआ, और वो जो युद्ध हुआ वो हुआ था नागार्नो काराबाख को लेकर। ये नागार्नो काराबाख कहां पर है, किस जगह पर है, इसकी सिचुएशन क्या है, इसको भी हम देखने का प्रयास यहां पर करेंगे। साथ ही साथ सूडान और दक्षिण सूडान के मध्य बढ़ता विवाद, और सबसे बड़ी बात दक्षिण सूडान के अंदर एक जो नया देश बना है उसके अंदर गृह युद्ध के हालात पैदा हो गए, उसका पूरी दुनिया के भू राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या प्रभाव पड़ेगा उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ अफ्रीका महाद्वीप के सबसे दक्षिण के अंदर एक देश है जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के लोगों के प्रति लगातार गुस्सा बढ़ रहा है उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। चीन और ताइवान के मध्य बढ़ता हुआ तनाव, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य बढ़ता तनाव, और इसके साथ साथ अभी और बहुत सारे टॉपिक हम कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक टॉपिक लेकर के और उसको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। अब इस क्रम में आज सबसे पहले मैंने जो टॉपिक आपके सामने लिया है उस टॉपिक का नाम है हांगकांग। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक को करने जा रहे हैं उसका नाम है हांगकांग, और हांगकांग से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से कौन से क्वेश्चन बनते हैं बन सकते हैं सबसे पहले मैं उसको दिखाना चाहूंगा कि
यहां पर ये शब्द जो है ये बेसिकली हांगकांग है। तो यहां पर सबसे पहले देखिए कि हांगकांग रिलेटेड आपके कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। हांगकांग की भू राजनीतिक स्थिति को समझाइए, सबसे पहला क्वेश्चन। हांगकांग की जियो पॉलिटिकल पोजिशन क्या है उसको समझाना है। नंबर दो, वर्तमान में हांगकांग लगातार चर्चा में क्यों चल रहा है। दो पॉइंट, एक देश दो व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, वन कंट्री टू सिस्टम क्या है, एक देश दो व्यवस्था। साथ ही साथ क्योंकि हांगकांग चर्चा में है इसलिए आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अफीम युद्ध से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय अफीम वार। और एक सबसे बड़ी बात, जिस हांगकांग की बात कर रहे हैं उस हांगकांग को 1997 में ब्रिटेन ने चीन को क्यों सौंपा, इसको भी देखेंगे। और हाल ही में हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित किया, इसका विरोध क्यों हो रहा है, ये तमाम चीजें आपके आरएस मुख्य परीक्षा में आ सकती है, उसको हम देखने का यहां पर प्रयास करेंगे। अब सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और उन प्रॉब्लम्स में सबसे पहले हम आए और देखें कि यार जिस हांगकांग की हम बात कर रहे हैं, बेसिकली ये हांगकांग अगर हम भारत से रवाना हुए तो ग्लोबल मैप में ग्लोबल पोजीशन हांगकांग की क्या है। तो दोस्तों यहां से आप देखने का इसको प्रयास कीजिए, यहां से रवाना होंगे बर्मा लाओस होते हुए और बिल्कुल चीन का जो साउथ ईस्ट पार्ट है वहां पर एक छोटा सा द्वीप द्वीपीय पार्ट है जिसका नाम है हांगकांग, जो बेसिकली पर्ल नदी किनारे पर है और हांगकांग के बिल्कुल नजदीक यहां पर मकाओ भी है। और ध्यान रखें दोस्तों, हांगकांग और मकाओ चीन के दो विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हैं, इसी को हम कहते हैं वन कंट्री टू सिस्टम। यहां पर वन कंट्री का मतलब होगा एक देश चीन और उस चीन के पास में दो क्षेत्र हैं जहां पर विशेष प्रशासनिक व्यवस्था है, उनमें से एक का नाम है हांगकांग और दूसरे का नाम जो है मकाओ है। तो सबसे पहले तो आपको समझाने के लिए इसके उत्तर क्या होंगे उससे पहले मैं समझाऊं इसकी टेरिटरी। देखिए आप, ये चीन हो गया और चीन से बिल्कुल लगता हुआ चीन का जो साउदर्न साउथ ईस्ट पार्ट है वहां पर ये जो पूरी टेरिटरी आप देख रहे हैं, यहां से ये पूरी टेरिटरी जो है ये बेसिकली हांगकांग की मानी जाती है। ये हांगकांग का मुख्य द्वीप है दोस्तों, ध्यान रखना ये हांगकांग का मेन आइलैंड है। लेकिन कहते हैं कि हांगकांग लगभग 235 द्वीपों से मिलकर बनता है, 235 आइलैंड से मिलकर बनता है, ये पूरा हांगकांग है। और हांगकांग जो है वो बेसिकली पर्ल नदी की बेसिन पर है। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, दक्षिण चीन सागर हो चाहे पैसिफिक ओशन हो और चाहे चाइना के पॉइंट से हो या दक्षिण पूर्वी एशिया के पॉइंट से हो, हांगकांग की जो जियो पॉलिटिकल पोजिशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी भू राजनीतिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहां पर आगे बढ़ने का प्रयास करें, सबसे पहले मैप पे देखिए, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये यूरोप कॉन्टिनेंट, ये आ गया एशिया कॉन्टिनेंट और एशिया में ये भारत, और भारत से आप अगर यहां से जाओगे तो ये मलक्का जलसंधि को क्रॉस करते हुए दक्षिण चीन सागर, और दक्षिण चीन सागर में यहां पर चीन के दक्षिण में यहां पर हांगकांग एक छोटा सा द्वीपीय भाग है जो चीन का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं, अगर वर्ल्ड मैप पे लोकेशन देखें आप वर्ल्ड मैप पे, तो ये पूरा विश्व का मैप और इस वर्ल्ड मैप में हांगकांग की पोजीशन यहां पर है, मतलब ओवरऑल पूरे वर्ल्ड मैप के सामने हांगकांग की जो लोकेशन है और जो उसका भौगोलिक क्षेत्र है वो बहुत छोटा सा पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, अब सबसे पहले देखिए हांगकांग के अंदर लगातार जो मूवमेंट हो रहा है उसमें कुछ लोग लगातार वहां पर ऐसे छतरियां हाथ में लेके और लगातार आंदोलन कर रहे हैं दोस्तों। इसी मूवमेंट को अम्ब्रेला मूवमेंट का नाम दिया गया था। ये लोग किस क्यों इस प्रकार का मूवमेंट कर रहे हैं उसको भी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि इसके पीछे का कारण क्या है, हांगकांग में लगातार ये विरोध क्यों हो रहा है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि जब हम हांगकांग की बात कर रहे हैं तो हमारी सिंपैथी जो है वो हांगकांग के लोगों के साथ में है क्योंकि चीन वहां पर अत्याचार कर रहा है। लेकिन कहानी का ट्विस्ट ये है कि यहां पर जितना भी ये जितनी बीमारियां हैं जैसे हांगकांग के अंदर, कश्मीर के अंदर, इजराइल के अंदर, दोस्तों ध्यान रखना ये पूरी बीमारियां ब्रिटेन के द्वारा छोड़ी हुई है। और ध्यान रखना हमारे मन में जो नफरत है चीन के प्रति, उतनी नफरत हमारे अंदर ब्रिटेन के प्रति भी होनी चाहिए क्योंकि ब्रिटेन ने हमारे पर 200 साल तक न केवल राज किया बल्कि हमारा आर्थिक और राजनीतिक शोषण व्यापक स्तर पर किया गया था। उसी कहानी की एक कड़ी में आपको मैं ले जाना चाहूंगा कि ये पार्ट आगे कैसे आया। सबसे पहले आप देखिए अफीम युद्ध क्या था। सबसे पहले
अफीम युद्ध, मतलब सबसे पहले मैं आपको हांगकांग का इतिहास बताने जा रहा हूं, हांगकांग का इतिहास सबसे पहले सुनाने जा रहा हूं। और हांगकांग के इतिहास की पूरी कहानी दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, यह बेसिकली अफीम युद्ध के साथ जुड़ी हुई है। अफीम युद्ध जो है वो बेसिकली 1839 से 1842 ये पहला अफीम युद्ध हुआ। लेकिन इससे पहले मैं दोस्तों बताना चाहूंगा कि अंग्रेज जो है ये बेसिकली भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, और एशिया में अंग्रेजों का सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग सेंटर था वो इंडिया था। और यहां से आगे बढ़ते हैं ये, और यहां से हम इस साइड चलें तो ये ऊपर पूरा पार्ट जो है ये बेसिकली चाइना का आ गया। अब आप लोग दोस्तों ध्यान रखना कि इंडिया बेसिकली ये भारत, और भारत में एक कंपनी व्यापार करने के लिए आई है जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहां पर भी आप लोग ध्यान रखना, ये जो ब्रिटिश थे इन ब्रिटिश ने चीन के साथ भी अपना ट्रेड किया, ब्रिटेन ने चाइना के साथ भी अपना व्यापार किया। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि ब्रिटिश चाइना से लेते क्या थे, तो ब्रिटिश जो है वो चाइना से बेसिकली चाय और चीनी इन दो का आयात चाइना से करते थे। मतलब ब्रिटिश जो है चाय और चीनी चीन से लेकर के और पूरी दुनिया में उसका व्यापार करते थे। लेकिन इसके बदले जो है ब्रिटिश को चाइनीज एक ही बात कहते थे कि हमें इसके बदले कोई वस्तु नहीं चाहिए, कोई और करेंसी नहीं चाहिए, बल्कि सी से चाइना, सी से चाय, सी से चीनी और सी से हमें चांदी चाहिए। मतलब अब देखिए आप, मतलब इसके बदले ये इनको बेसिकली क्या देते थे, तो यहां पर आपका उत्तर होगा ये चांदी देते थे। अब ब्रिटिश का व्यापार चाइना के साथ बढ़ने लगा, क्योंकि चाय एक ऐसी चीज थी जिससे ब्रिटिश ने बहुत पैसा कमाया। अब जैसे जैसे चाय का व्यापार चाइना के साथ बढ़ेगा, मतलब ब्रिटिश जो है चाइना से चाय लेंगे तो उसके बदले चांदी देंगे, ये चीज अंग्रेजों को पसंद नहीं आ रही थी। वो चाहते थे कि चाय का व्यापार तो हो लेकिन हमें चांदी ना देनी पड़े। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ने, क्योंकि ब्रिटिश के पास एक ऐसा एरिया था जिसको हम कह सकते हैं आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये पूरा एरिया था उनके पास में, और इस क्षेत्र में वो खेती करते थे अफीम की। आप देखिए दोस्तों, इन्होंने क्या किया, चाइनीज को धीरे धीरे अफीम का व्यापार करना सिखाया और चाइनीज को अफीम की लत लगा दी। जब अफीम की लत लगा दी तो चाइनीज अब जो है चाय और चीनी के व्यापार के बदले ब्रिटिश से क्या खरीदने लगे, अफीम खरीदने लगे। इसका मतलब क्या होगा कि अब अंग्रेजों को चांदी नहीं देनी पड़ती थी। इसका नतीजा यह हुआ दोस्तों कि लगातार अफीम से चाइना के युवाओं में एक प्रकार की बुरी लत के वो आगोश में आ गए। इस बात का पता चाइनीज सरकार को लगा, उस समय वहां चाइना में राजवंश था जो चाइना के राजा ने विरोध किया, और इधर जो है अंग्रेज युद्ध करने के लिए तैयार बैठे थे। और इस क्रम में दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, चाइना और ब्रिटेन के बीच में युद्ध शुरू हो गया। इसी युद्ध को इतिहास में अफीम युद्ध के नाम से जानते हैं, दिस इज नॉन एज अफीम वार। और इस क्रम में सबसे पहला अफीम वार जो है वो प्रथम अफीम युद्ध जो है ये बेसिकली 1839 से लेकर 1842 के बीच में पहला अफीम युद्ध होता है। यहां पर इस बिंदु को आप बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना दोस्तों कि पहला अफीम युद्ध जो है वो कब हुआ था, 1839 से 1842 किसके मध्य हुआ था दोस्तों, तो यहां पर आप फिर ध्यान रखना, ये बेसिकली ब्रिटिश वर्सेस चीन के मध्य हुआ था। और युद्ध कब से कब तक हुआ, 1839 से 1842, और ध्यान रखना ब्रिटिश ने चीन को पराजित कर दिया। इस युद्ध में ब्रिटिश ने
चीन को पराजित कर दिया और इस पराजय के बाद एक संधि हुई जिसे इतिहास में हम नानजिंग ट्रीटी के नाम से जानते हैं, जिसको इतिहास में हम नानजिंग ट्रीटी कहते हैं। यह पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। इस नानजिंग ट्रीटी के तहत क्या हुआ कि चूंकि ब्रिटेन ने चीन को पराजित कर दिया, इसके बदले अब चीन को नानजिंग ट्रीटी के तहत एक द्वीप ब्रिटेन को देना पड़ा। यह बात कब की है? यह बात 1842 की है, 1842 की है। और 1842 में जिस द्वीप को दिया गया था, ध्यान रखना दोस्तों, उसी द्वीप का नाम हांगकांग था। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि हांगकांग चाइना से, जो चाइनीज एरिया था, चीन का क्षेत्र था, वो चीन का क्षेत्र चीन से ब्रिटिश के पास कब आ गया? 1842 के अंदर, 1842 में। और चूंकि ब्रिटिश का यहां पर नियंत्रण हो गया तो उन्होंने अपने तरीके से हांगकांग का डेवलपमेंट करना शुरू किया। और दोस्तों, धीरे धीरे हांगकांग एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर बनने लगा। लेकिन अभी भी चाइनीज हार मानने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए ब्रिटेन और चाइना के बीच में फिर एक वार हुआ। ब्रिटेन वर्सेस चीन के मध्य एक वार हुआ। यह वार 1856 में हुआ था और इस वार को हम ध्यान रखना दूसरा अफीम युद्ध कहते हैं, सेकंड अफीम वार, दूसरा अफीम युद्ध कहते हैं। और इस युद्ध में भी ब्रिटेन की जीत होती है और चीन की हार होती है। और जैसे चीन हारता है, फिर एक बार चीन को हांगकांग के पास का कुछ आइलैंड और देना पड़ा, जिसको हम कहते हैं काओलिन द्वीप। काओलिन द्वीप इनको देना पड़ा। यह बात 1856 की है। और इस प्रकार ब्रिटेन का कॉन्फिडेंस चाइना में बढ़ता गया और इन वार को संज्ञा दी गई अफीम वार। फिर तीसरा, आप लोग ध्यान रखना, तीसरा अफीम युद्ध जो है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना, 1898 में होता है। और इस वार में अगेन ब्रिटेन वर्सेस चीन के बीच जो युद्ध हुआ, इसमें अगेन ब्रिटेन की जीत हुई। और इस जीत के बाद क्या हुआ कि ब्रिटेन ने चीन के साथ एक संधि की, और जो संधि की, उस संधि को इतिहास में कहते हैं कन्वेंशन फॉर द एक्सटेंशन ऑफ हांगकांग टेरिटरी। ध्यान रखना, कन्वेंशन फॉर द एक्सटेंशन ऑफ हांगकांग टेरिटरी के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखना, इस संधि के द्वारा चीन ने हांगकांग और उसके आसपास के क्षेत्रों को 99 ईयर्स, ध्यान रखना, 99 वर्ष के लीज पर ब्रिटेन को सौंप दिया गया। मतलब आप देख सकते हो कि वैसे तो हांगकांग और उसके आसपास का क्षेत्र 1842 में आ गया था, लेकिन जो लीज का प्रोसेस है, वो लीज का प्रोसेस 1898 में स्टार्ट होता है। 1898 में आधिकारिक लीगली रूप से पूरी तरह से हांगकांग, काओलिन आदि क्षेत्रों पर पूरी तरह से ब्रिटेन का आधिपत्य हो गया। और अंग्रेजों ने चीन से लिखा लिया कि 99 ईयर्स तक ये क्षेत्र हमारे पास में रहेगा। अब जैसे ही ये टेरिटरी उनके पास में आई, तो और बहुत सारे डेवलपमेंट के काम यहां पर शुरू हो गए। और आपको बता दूं कि जो हांगकांग क्षेत्र था, ध्यान रखना दोस्तों, ये आप मान लीजिए पूरा चीन और ये यहां पर हांगकांग है ये वाला, तो बहुत बड़ी संख्या में चाइनीज शरणार्थी यहां पर आकर बसने लगे, क्योंकि हांगकांग बहुत डेवलप एरिया था। अब थोड़ा सा आप यहां पर देखिए कि 1898 और प्लस इसमें हम 99 जोड़ दें तो ये आपका होता है 1997। मतलब 99 ईयर्स कब कंप्लीट हो गए? 1997 में कंप्लीट हो गए। इसलिए दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, 1997 में, 1997 के अंदर जब 99 वर्ष पूरे हो गए, तो 99 वर्ष पूरे होने पर 1997 में ब्रिटेन ने हांगकांग को चीन को सौंप दिया। तो अब आप समझ चुके होंगे 1997 में चीन को वापस सौंपा गया था हांगकांग, क्योंकि वो संधि हुई थी, उस संधि के तहत ये प्रोविजन था। अब आप लोग ध्यान रखना दोस्तों कि ब्रिटेन और चीन के बीच में हुआ ये लीज 1997 तक वैध था, दरअसल वैध था। अब आप कहोगे सर, जब हांगकांग का इतना डेवलपमेंट किया गया था, तो ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देश ने ऐसा क्यों किया कि उसको सौंप दिया? तो उसका रीजन है दोस्तों, नंबर एक, प्रथम विश्व युद्ध, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, उस समय तक ब्रिटेन दुनिया की एक बहुत बड़ी सुपर पावर था।
लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इसके हालात खराब होने लगे। उसके बाद होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर भी ब्रिटेन की हालत और खराब हो गई, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन दुनिया की सुपर पावर नहीं रहा, और उसके बाद दुनिया में एक नया सिस्टम शुरू होता है जिसको हम कहते हैं टू पोलर सिस्टम। दुनिया दो शक्तियों बंट गई, एक शक्ति का नाम था अमेरिका और दूसरी शक्ति का नाम था यूएसएसआर, मतलब टू पोलर वर्ल्ड हो गया, उसमें ब्रिटेन की भूमिका कम हो गई। उसी समय चाइना एक कम्युनिस्ट देश के रूप में उभर रहा था। उभरते हुए इस चाइना ने 1997 में उसी संधि के तहत ब्रिटेन से हांगकांग वापस ले लिया। लेकिन दोस्तों यहां पर आप लोग ध्यान रखना कि जब ब्रिटेन ने हांगकांग चीन को सौंपा, और कब सौंपा, 1997 के अंदर, तब इन्होंने कहा कि कुछ शर्तों के साथ, अर्थात हांगकांग लेने के बाद भी चाइना जो है वहां पर डेमोक्रेसी को खत्म नहीं करेगा, वहां उन लोगों को उनकी राजनीतिक आजादी मिलेगी, पब्लिक मीटिंग्स की फ्रीडम होगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून उनका होगा, ये तमाम अधिकार जो है वो हांगकांग के पास बने रहे। इसी के साथ आप दोस्तों ध्यान रखना 1997 में हांगकांग चीन के पास आ गया, लेकिन हांगकांग जो चीन के पास में आया उसको हम कहते हैं वन कंट्री टू सिस्टम, एक देश दो व्यवस्था, अर्थात देश एक रहेगा चीन, लेकिन हांगकांग की अपनी मुद्रा हांगकांग डॉलर चलती रहेगी, हांगकांग की अपनी आधिकारिक भाषा इंग्लिश वहां पर चलती रहेगी, जबकि आपको पता है कि चीन की आधिकारिक भाषा और चीन की मुद्रा युआन अलग है। वन कंट्री टू सिस्टम के तहत बहुत सारे अधिकार यहां पर हांगकांग के पास में दिए गए, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि चीन के अंदर जो है, चाइना के अंदर दोस्तों आपको पता होगा चीन के अंदर वन पार्टी सिस्टम है, वहां पर केवल एक ही पार्टी है, और उस पार्टी का नाम जो है वो बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है। लेकिन दूसरी ओर देखोगे तो हांगकांग के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है, हांगकांग के अंदर डेमोक्रेसी है। ये चीजें चीन को खटकने लगी, और चीन ने क्या किया कि धीरे धीरे चाइना ने हांगकांग पर अपना नियंत्रण करना शुरू कर दिया। जैसे मैं एक चीज बताऊं आपको, हांगकांग में 2017 में चुनाव होने वाले थे, लेकिन उन 2017 में हांगकांग की जनता अपनी चुनी हुई सरकार चुनती, उससे पहले 2014 में चाइना ने 2014 में एक कानून पास कर दिया, चाइना ने एक कानून पास कर दिया, और उस कानून के तहत यह कह दिया कि हांगकांग के अंदर चुनाव लड़ने के लिए कौन से उम्मीदवार, हांगकांग में कौन से उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, इसके लिए चाइना ने कहा कि इसके लिए 1200 सदस्यों की एक कमिटी बना दी गई कि यह कमिटी डिसाइड करेगी कि कौन चुनाव लड़ेगा और कौन नहीं लड़ेगा। कहने का मतलब यह दोस्तों कि पहली बार हांगकांग की डेमोक्रेसी पर चीन द्वारा जो हमला किया गया वो हमला किया गया था 2014 के अंदर, और जैसे ही हमला हुआ हांगकांग के लोगों को लगने लगा कि चीन अब हमारे मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। जबकि चाइना ने ब्रिटेन से वादा किया था कि 50 साल तक वो यहां की व्यवस्था में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करेगा, अर्थात आप देखिए 1997 में अगर आया है तो 50 साल पूरे होते हैं 2047 के अंदर, लेकिन उसने 2047 से पहले ही वहां पर छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। और इसके लिए सबसे पहले जो हांगकांग की गवर्नमेंट कैसे बनेगी उसके अंदर उसने सबसे पहले ये बदलाव किया। और दोस्तों क्या चाइना ने 2014 में ये कानून बनाया तो क्या वहां के लोगों ने इसका विरोध किया? यस, 100% हांगकांग की जनता सड़क पर उतर आई, और सड़क पर आकर उन्होंने जो मूवमेंट चलाया उसी को कहते हैं अम्ब्रेला मूवमेंट। और दोस्तों आप लोगों को पता होगा अम्ब्रेला मूवमेंट यूपीएससी में दो बार क्वेश्चन पूछा गया, अम्ब्रेला मूवमेंट से आप क्या समझते हो? तो इसका उत्तर होगा कि हांगकांग की जनता ने अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी इलेक्शन प्रोसेस को उसी रूप में बनाए रखने के लिए चीन का जो विरोध जिस रूप में किया उसे अम्ब्रेला मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। उसमें हजारों लोग जो हैं वो छतरियां लेकर के और चीन के खिलाफ आ गए। ये आपको जो मूवमेंट दिखाई दे रहा है ये अम्ब्रेला मूवमेंट है। इसमें यहां के हांगकांग के लोग चाहते थे
कि हमारे डेमोक्रेसी में आप किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कीजिए। लेकिन अगर दोस्तों अगर थोड़ा सा आप देखोगे तो कहीं ना कहीं चीन का इंटरनल इश्यू है जो ब्रिटेन के साथ में जुड़ा हुआ है। और दोस्तों जब भी हांगकांग में किसी प्रकार का डिमॉन्स्ट्रेशन होता है तो ब्रिटेन को बड़ी चिंता होती है कि भाई वहां पर ऐसा क्यों हो रहा है। और यहां पर मैं कहना चाहूंगा इनका कोई प्रभाव चीन पर नहीं पड़ा, बल्कि चीन ने क्या किया कि हांगकांग का जो चीफ एग्जीक्यूटिव था उसकी नियुक्ति चाइना ने कर दी और कैरी लैम जो चीनी समर्थक था उसकी नियुक्ति कर दी गई। फिर आप देखोगे अधिकारों में कटौती के लिए फिर एक कानून आया जिसको हम कहते हैं एक्सट्राडिशन ट्रीटी, प्रत्यर्पण कानून। यह प्रत्यर्पण कानून बेसिकली 2019 में लाया गया। इस कानून में क्या था कि चीन ने कहा वैसे तो आपको बताया कि हांगकांग जो है वो बेसिकली चीन का ही हिस्सा है, लेकिन चूंकि आपको पता है वन पार्टी टू सिस्टम है, तो चीन एक प्रत्यर्पण कानून लेके आया और इस प्रत्यर्पण कानून के तहत यह मसला था कि अगर कोई व्यक्ति हांगकांग में है और वो अपराधी है और उसने कोई ऐसा अपराध को अंजाम दिया है जो बेसिकली चीन की अस्मिता के खिलाफ है, चीन की अखंडता के खिलाफ है, तो चाइना की गवर्नमेंट हांगकांग से उस अपराधी को चाइना में ला सकती है। यह प्रत्यर्पण कानून था। यह ठीक वैसे जैसे अबू सलेम को भारत जो है पुर्तगाल से लेके आया था, तो ऐसे ही अभी आपको बताया कि मेहुल चौकसी को लाने की बातचीत चल रही है, विजय माल्या को लाने चल रही है, लेकिन भारत और ब्रिटेन तो अलग अलग देश है, भारत और वेस्ट इंडीज अलग अलग देश है, लेकिन हांगकांग तो चीन का ही हिस्सा है। इसके बावजूद यदि चीन हांगकांग के किसी व्यक्ति को अपने यहां लेना चाहती है तो नहीं ला सकती। इसके लिए उसने कौन सा कानून पास किया? प्रत्यर्पण कानून पास किया। और जैसे ही प्रत्यर्पण कानून पास किया हांगकांग की जनता फिर एक बार सड़कों पर आ जाती है और जबरदस्त उसका विरोध करती है, अब आपको सर लेटेस्ट विरोध क्यों हुआ तो आप लोग ध्यान रखना, 30 जून 2020 को ध्यान रखना, लेटेस्ट जो है 30 जून 2020 जब पूरी दुनिया कोरोना के आगोश में छुपी हुई थी, सड़कें बंद थी, उस समय 30 जून 2020 को चीन की संसद ने एक कानून पास कर दिया जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, नेशनल सिक्योरिटी लॉ। इस नेशनल सिक्योरिटी लॉ का मीनिंग क्या था दोस्तों? ये बेसिकली चीन की संसद के द्वारा पास किया गया था। मैंने यहां पे लिखा है कि चीन की सबसे बड़ी संसद को हम कहते हैं नेशनल पीपुल्स कांग्रेस जो बीजिंग में है, उसने हांगकांग के लिए एक व्यापक सुरक्षा कानून पास कर दिया जिसके तहत 30 जून 2020 को पारित यह कानून 1 जुलाई 2020 को लागू हो गया। और इसके तहत यदि कोई भी व्यक्ति हांगकांग में रहकर कोई ऐसी गतिविधि चलाता है जिससे चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ती हो, नेशनल सिक्योरिटी, या फिर वो सेपरेटिज्म को बढ़ावा देता हो या तोड़फोड़ करता हो या आतंकवाद में लिप्त हो, तो नेशनल सिक्योरिटी लॉ के तहत चीन हांगकांग के उस व्यक्ति को नेशनल सिक्योरिटी लॉ के तहत गिरफ्तार कर सकती है। जैसे ही हुआ हांगकांग की जनता फिर एक बार सड़कों पर आकर जबरदस्त विरोध करती है। और ब्रिटेन, अमेरिका, तमाम देशों ने सुरक्षा की चिंता व्यक्त की कि चीन अपने वादे से मुड़ रहा है। क्यों? क्योंकि चीन ने यह वादा किया था कि 1997 से 50 साल तक वो हांगकांग की डेमोक्रेसी को नहीं कुचलेगा, वन कंट्री टू सिस्टम के तहत चलेगा। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से 2020 में नेशनल सिक्योरिटी लॉ हांगकांग में पास किया गया, हांगकांग की पूरी पब्लिक एक बार सड़कों पे आ गई है। कहते हैं कि 30 जून 2020 को जो पास हुआ तो उसके तुरंत बाद में लगभग 10 लाख लोग हांगकांग की सड़कों पे आ गए। तो ये पूरा मैंने एक वाक्य आपको समझाया, जो सुनाया आपको। अब सबसे पहले आपके आरएस मुख्य परीक्षा में
क्वेश्चन ये पूछे कि हांगकांग की भू राजनीतिक स्थिति को समझाइए। मान लीजिए दोस्तों, ये आपका 100 वर्ड्स में आता है, 100 शब्दों में आता है, 100 वर्ड्स के अंदर। अब जब 100 शब्दों में आएगा तो सबसे पहला पॉइंट तो यहां पर यह क्लियर करना पड़ेगा कि भू राजनीतिक किसे कहते हैं, व्हाट इज मीन बाय जियो पॉलिटिकल। तो आप देख सकते हो ये जियो और ये पॉलिटिकल, ये 2 शब्दों से मिलकर यहां पर बना है भू राजनीतिक। अब यहां पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखना कि भू मतलब होता है भौगोलिक, भौगोलिक, और यहां पर राजनीतिक का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय राजनीति। ये दोनों शब्द मैंने एक साथ ले लिए। अब आप इसको जोड़िए, क्या होगा, किसी क्षेत्र के जैसे हांगकांग, किसी क्षेत्र के भौगोलिक कारकों का, किसी क्षेत्र के भौगोलिक कारकों का अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय राजनीति पर विश्लेषण को ही जियोपॉलिटिकल कहा जाता है, जियोपॉलिटिकल कहा जाता है। अब जब आप इसको समझाओगे दूसरी बात, जब भी कोई भौगोलिक शब्द आएगा तब आप उसमें क्या क्या शामिल करोगे, एक तो उसकी स्थिति को, उसकी लोकेशन क्या है, नंबर 2 उसकी सामरिक स्थिति को, सामरिक स्थिति को, उसकी अर्थव्यवस्था को, क्योंकि भूगोल में अर्थव्यवस्था भी आती है, अर्थव्यवस्था को। तो ये पॉइंट्स आपको यहां पर जोड़ने हैं। तो समझोगे, सबसे पहले जब आप इसको स्टार्ट करोगे तब यहां पर आप ऐसे लिख सकते हो कि हांगकांग एक देश 2 व्यवस्था के अंतर्गत, 1 country 2 system के तहत, 2 व्यवस्था के तहत 1997 में ब्रिटेन द्वारा चीन को सौंपा गया था, चीन को सौंपा गया था। यहां लगभग 180 वर्षों तक ब्रिटिश आधिपत्य होने के कारण इसकी लोकतांत्रिक स्थिति एवं अर्थव्यवस्था चीन से अलग है। चीन से अलग है, ध्यान रखना। आप लिख सकते हो दक्षिण चीन सागर के मुहाने एवं, या मुहाना न लिखो, ज्यादा निश्चित लगेगा, मुहाने के बजाय आप लिख दो दक्षिण चीन सागर के तट एवं पर्ल नदी के बेसिन में स्थित हांगकांग एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र है। दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया की अर्थव्यवस्था में इसकी अहम भूमिका है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इन दोनों पॉइंट को जोड़ोगे, परंतु वर्तमान में चीन द्वारा लगातार बढ़ते हस्तक्षेप के कारण हांगकांग की जनता लगातार चीन का विरोध कर रही है, जिसका इसकी राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ये पॉइंट आप इसको यहां पर दे दोगे।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सबसे पहले हमने इसको समझाया। नंबर दो, वर्तमान में हांगकांग लगातार चर्चा में क्यों चल रहा है? मैंने आपको तीनों पॉइंट बता दिए हैं। तीनों पॉइंट में जब आप इस उत्तर को लिखोगे तो यहां पर मैं कुछ की पॉइंट्स आपको दे देता हूं, कुछ की पॉइंट्स। उन की पॉइंट्स में आपको कौन कौन से पॉइंट ध्यान रखने हैं। नंबर एक, एक देश दो व्यवस्था, वन कंट्री टू सिस्टम। नंबर एक। नंबर दो, 1997 ब्रिटेन द्वारा चीन को सौंपा गया, लेकिन यह कहा गया था कि 50 वर्षों तक एज इट इज पोजिशन में रखा जाएगा। तीन पॉइंट। तीसरा, हांगकांग के लोकतांत्रिक ढांचे पर, हांगकांग के लोकतांत्रिक ढांचे पर चीन द्वारा लगातार किए जा रहे हमले, और उसमें आप तीन पॉइंट जरूर डालना। नंबर वन, निर्वाचन की व्यवस्था, जिस प्रकार से चीन ने वहां की निर्वाचन व्यवस्था में हस्तक्षेप किया है। नंबर दो, चीन द्वारा हाल ही में लाया गया प्रत्यर्पण कानून, जिसकी पूरी चर्चा मैंने इससे पहले कर दी है। और नंबर तीन, लेटेस्ट जो मैंने अभी बताया था, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, नेशनल सिक्योरिटी लॉ, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। इन तीनों को आपको बहुत अच्छे से यहां पर रिप्रेजेंट करना है। तीनों को आपको बहुत अच्छे से यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर एक देश दो व्यवस्था क्या है, वन कंट्री टू सिस्टम क्या है? तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक देश दो व्यवस्था क्या है? ध्यान रखना, आप इसको ऐसे लिखोगे, हांगकांग एवं मकाओ, क्योंकि यहां पर किसी का नाम तो लिखा नहीं है, इसलिए दूसरा क्षेत्र बताना पड़ेगा आपको। हांगकांग एवं मकाओ क्रमशः पहले ब्रिटिश एवं पुर्तगाली आधिपत्य वाले क्षेत्र थे, परंतु वर्तमान में ये दोनों क्षेत्र चीन के नियंत्रण में है, चीन के नियंत्रण में है। परंतु इन दोनों क्षेत्रों को, अपनी वर्तमान व्यवस्था जारी रखने का अधिकार देकर चीन ने अपने अंदर शामिल किया जैसे हांगकांग चीन का हिस्सा है, तो ये क्या हो गया, वन कंट्री, देश तो एक ही है, परंतु हांगकांग की अपनी राजनीतिक व्यवस्था, अपनी
राजनीतिक व्यवस्था कोमा भाषा कोमा मुद्रा को जारी रखने का अधिकार दिया गया है। इसी को हम क्या कहते हैं, वन कंट्री टू सिस्टम के नाम से इसको जानते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको यहां पर जानना होगा। एक आपसे पूछे कि अफीम युद्ध से आप क्या समझते हो, तो आप लोग को मैंने बहुत अच्छे समझा दिया है, ऊपर बस आपको उत्तर लिखना है कि ब्रिटेन एवं चीन के मध्य जो युद्ध हुए उन युद्धों को अफीम युद्ध के नाम से जानते हैं। ये टोटल तीन युद्ध हुए, नंबर एक 1839 से 1842, और यहां पर आप लिख दोगे नानजिंग ट्रीटी। और इसी नानजिंग ट्रीटी के तहत आपको पता है कि इसी ट्रीटी के तहत चीन ने हांगकांग ब्रिटेन को सौंप दिया था, पहला पॉइंट। नंबर दो, इसी प्रकार नंबर टू आपका होगा 1856 का दूसरा अफीम युद्ध, फिर तीसरा 1898 जो मैंने आपको समझा दिया, और 1898 के इस युद्ध में फिर 99 साल के लीज पर हांगकांग को चीन को सौंपा गया था। तो ये मैंने बहुत अच्छे से आपको वहां पर लिखा दिया, बस वहां से मैटर आपको लेना है, इसलिए मैंने इस बार मैटर पहले बताया, क्वेश्चन बाद में लिए हैं। 1997 में ब्रिटेन ने चीन को हांगकांग वापस क्यों सौंपा, इसका उत्तर मैंने बहुत अच्छे समझा दिया है कि 1898 में जो तीसरा अफीम युद्ध हुआ, उस तीसरा अफीम युद्ध जो चाइना वर्सेज ब्रिटेन था, इस युद्ध में ब्रिटेन की जीत हुई, और इस जीत में जो संधि हुई उस संधि के तहत यह तय किया गया कि ब्रिटेन जो है 99 साल तक के लीज पर हांगकांग को अपने पास रखेगा। यह मैंने ट्रीटी आपको पूरी समझा दी है, उसको आप वहां से ले सकते हो। हाल ही में हांगकांग संबंधी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित किया गया, इसका विरोध क्यों हो रहा है यह मैंने पूरा समझा दिया दोस्तों। विरोध क्यों हो रहा है तो आप लोग ध्यान रखना, इसमें की वर्ड्स जो आएंगे आपके, वो की वर्ड्स क्या होंगे। नंबर वन पहले आप लिखोगे एक देश दो व्यवस्था, वन कंट्री टू सिस्टम। नंबर दो इसमें की वर्ड्स आएगा, दूसरा आएगा हांगकांग की लोकतंत्र पर लगातार हो रहे हमले, और फिर आपको नेशनल सिक्योरिटी लॉ समझाना है कि इस कानून के तहत चीन जो है हांगकांग के किसी व्यक्ति को राष्ट्रद्रोह, अलगाववाद, आतंकवाद और तोड़फोड़ के नाम पर गिरफ्तार कर सकता है और उस पर कार्रवाई कर सकता है। इसलिए हांगकांग के लोगों का मानना है कि यह हमारी राष्ट्रीय अस्मिता के खिलाफ है, हमारे लोकतंत्र पर यह आघात है, इस कारण वहां के लोग इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों आज मैंने एक जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के तहत हांगकांग को लिया, आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा, और ये पार्ट आपका एज इट इज जो है वो आईआर में भी काम आएगा। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।